हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल कंप्यूटर क्लासेस। और आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं फाइल मेन्यू के बारे में। फाइल मेन्यू में जितने भी ऑप्शंस हैं तो इनका यूज हम यहां पे फोटोशॉप में कैसे करते हैं। तो अभी तक कि आपने प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि मैंने आपको एक एक टूल्स के बारे में बताया था कि इस टूल का काम क्या होता है और इसका नाम क्या है और इसका यूज हम कैसे करते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फाइल मेन्यू के बारे में। तो फाइल मेन्यू में यहाँ पर काम करने से पहले हमें सबसे पहले यहाँ पर एक नया पेज चाहिए। तो फाइल में जाना है और यहाँ पे एक न्यू दिया हुआ है। न्यू का मतलब होता है एक नया पेज। मैंने न्यू पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर फाइल का नाम जो भी देना है दे दीजिए। जैसे दिया मैंने यहाँ पे फर्स्ट डिजाइन। उसके बाद यहाँ पे आपको साइज देना है कि किस टाइप का आपका पेपर साइज आपको यहाँ पे चाहिए। जैसे इंटरनेशनल पेपर करता हूँ, यहाँ पर आपका A4, A6, A5, A3 है। जैसे कोई स्टूडियो में जब हम फोटो वगैरह बनाते हैं तो यहाँ पर जा करके आप फोटो वर्क करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका साइज़ दिया हुआ है 2x3, 4x6, 5x7, जो भी लेना आप ले सकते हैं। ये हमारा लैंडस्केप में है और ये पोर्ट्रेट में। पोर्ट्रेट का मतलब होता है लंबाई ज़्यादा चौड़ाई कम, और लैंडस्केप का मतलब होता है का मतलब होता है चौड़ाई ज़्यादा और लंबाई कम। तो ये हमारा साइज है। अगर आपको खुद से अपना कोई साइज बनाना हो कस्टमाइज, तो यहाँ पर जा करके आपको कस्टम करना है। तो यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर ले लिया, विड्थ ले लिया 6 इंच और हाइट ले लिया 3 इंच। और यहाँ पे देखिए, ये है रिजोल्यूशन, ये इसकी क्वालिटी होती है कि मतलब आपको जो भी डिज़ाइन करना चाहते हो तो किस क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो ये इसका रिजोल्यूशन होता है, मतलब DPI। जब भी हम कोई डाटा प्रिंट करते हैं तो उसमें हमें DPI पे ही प्रिंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम 300 DPI पे प्रिंट कर रहे हैं। अगर हम 100 DPI देते हैं तो उसकी क्या होती है, क्वालिटी कम हो जाती है। तो ये हमारा होता है DPI। DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। उसके बाद देखिए, ये कलर मोड रेड ग्रीन ब्लू। हम फोटोशॉप में जो भी हम काम करते हैं तो यहाँ पे RGB पे काम करते हैं। और उसके बाद बैकग्राउंड कलर भी हम क्या लेके चल रहे हैं, वाइट। और यहाँ पे आपको ओके करना है। इतना करने के बाद यहाँ पे आपका पेज आ जाएगा। तो न्यू आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बताता हूँ ओपन के बारे में। तो ओपन का काम होता है किसी फाइल को ओपन करना। तो मैं ओपन पर क्लिक कर दिया और उसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारी फोटोज़ है। तो मैं यहाँ डेस्कटॉप पर जाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप पर ओपन से क्या होता है, आप कोई भी फोटोशॉप की फाइल या कोई JPG फाइल कुछ भी ओपन करना हो तो आसानी से ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चला गया इमेज में और यहाँ पे देखिए बहुत सारी फ़ोटोज़ है। तो मैंने यहाँ पे आमिर खान की फ़ोटो ले ली। तो ये देखिए फ़ोटो आ गया। तो ओपन आपको समझ में आ गया होगा। बराजुन ब्रिज, इसमें क्या होता है हमारा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक आपका अलग से फ़ोटोशॉप से अलग ये देखिए ब्रिज का ऑप्शन आ गया यहाँ पर। ये हमारा ब्रिज है और फोटोशॉप हमारा यहाँ पर है। तो ब्रिज में क्या होता है कि जैसे कोई भी एक लोकेशन हमने चूज कर लिया, जैसे डेस्कटॉप पे जा करके हमने यहाँ पर इमेज का फोल्डर ओपन कर दिया। तो जब भी आपको फ़ोटो चाहिए, बस आपको इसमें से जो भी फ़ोटो चाहिए तो आपको यहाँ पे जा करके ओपन पे क्लिक नहीं करना है, बस ब्रिज में जा करके जो भी फ़ोटो चाहिए उस पर आपको डबल क्लिक करना है। तो मैं डबल क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं ये फ़ोटो हमारे फोटोशॉप में आ गई। तो ब्राउजिंग ब्रिज आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये होता है ब्राउजिंग ब्रिज, जो फोटोशॉप से बाहर अलग खुल के आता है। और एक होता है आपका ब्राउजिंग मिनी ब्रिज, जो फोटोशॉप के अंदर ही खुलता है। तो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनी ब्रिज यहाँ पे खुल के आ गया। तो अभी थोड़ी देर में अपने आप यहाँ पे दिखा देगा सारी लोकेशंस, कौन कौन सी जगह पे आपकी फ़ोटो फाइल वगैरह है। तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं और इसका भी यूज कर सकते हैं। दोनों डिफरेंट ये होता है, ये बाहर खुल के आता है और ये हमारे फोटोशॉप के अंदर ही खुलता है। तो ये देखिए ओपन एज, ओपन एज पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा ओपन एज किस टाइप की फ़ोटो आपको ओपन करनी है। तो यहाँ पे अभी PhD लिया हुआ है। तो देखिए ये जब मैं डेस्कटॉप पे चला गया तो PhD फाइल हमारी ये वाली होती है फोटोशॉप की, फोटोशॉप। अगर मैं यहाँ पे कोई फ़ोटो पे क्लिक करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं इमेज में चला गया और यहाँ पे इस फोटो पे क्लिक करके मैंने यहाँ से ओपन किया, तो यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज आएगा, कुड नॉट कम्प्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज इट इज नॉट ए वैलिड फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। जिस फाइल को आपने सेलेक्ट किया है ये आपका फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट नहीं है। तो यहाँ पर ओपन में जा करके ये देखिए ओपन एज में चला गया। तो ये PhD फाइल थी, यानी कि इससे क्या होगा हमारा सिर्फ फोटोशॉप की फाइल ही ओपन कर सकते हैं। तो मैंने इस पर डबल क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं जो भी उसमें काम किया होगा ये अपने आप यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ओपन एज का यूज करते हैं। ओपन एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इससे भी आप कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक कर दिया तो ये देखिए ये फोटोशॉप की में खुल के आ गया। तो ये भी हमारा एक ओपन की तरह ही होता है। मैंने फिर इस पर क्लिक किया, जैसे सपोज मैं इस पर चला गया और यहाँ से देखिए ये मैंने फाइल ओपन कर लिया। तो ये देखिए एक अलग पेज में खुल के आ रहा है। लेकिन जब आप इससे फ़ोटो कोई भी ओपन करेंगे इस वाले से, तो ये हमारा फ़ोटो क्या होता है, लॉक होता है।
तो आपको इस पे वर्क करना होगा, तो यहीँ पे आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे रेस्टराइज करना है। तो देखिए हमारा इस पे आप कोई भी काम कर सकते हैं, ये हमारा लुक हो गया। तो ये कुछ ऑप्शन है जो फाइल को ओपन करने के लिए होता है डिफरेंट डिफरेंट, तो आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा ओपन रिजेंट है, लास्ट में हम जो भी काम करके हम सेव करते हैं। तो आपने बेसिक में इसमें सीखा होगा ये सब बेसिक में कि ओपन रिजेंट क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 10 फाइलें आपको दिखा रही हैं। तो लास्ट में आपका कहीं भी फाइल सेव हो, लेकिन रिजेंट में आपको 10 फाइल आपको दिखा देगा, ये आपने लास्ट में काम करके सेव किया था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आगे और भी है, शेयर माई स्क्रीन, क्रिएट न्यू रिव्यू और डिवाइस सेंटर। देखिए ये क्या होता है हमारा कि कंपनी में कोई भी फोटोशॉप यूज करते हैं तो ये परचेज किया हुआ रहता है। बाकी आगे ऐसे नॉर्मली हम जो घरों में यूज करते हैं या सिंपल सा एक एक सिस्टम पे यूज करते हैं तो हम परचेज नहीं करते। हम उसे क्या करते हैं, एक पायरेटेड मार्केट से कोई सीरी लिया है हमने फोटोशॉप का और कंप्यूटर में डाल दिया। तो अगर हमारे फोटोशॉप में कोई दिक्कत आती है तो हम उसे खुद से ही सही करते हैं, लेकिन कंपनियों में क्या होता है कि वहाँ पर खुद से नहीं करते, फोटोशॉप के कंपनी वाले आकर के इसके थ्रू वहाँ पर फोटोशॉप को रिपेयर करते हैं। यानी कि कंपनी का जो फोटोशॉप होता है वो परचेज किया हुआ रहता है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, शेयर माई स्क्रीन, क्रिएट न्यू रिव्यू और डिवाइस सेंटर। तो ये कंपनी में अगर कोई फोटोशॉप में कोई दिक्कत आती है, कंपनी वाले इसके थ्रू यहाँ पे फोटोशॉप को रिपेयर करते हैं, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना। अब ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्लोज, तो क्लोज का मतलब होता है कि एक पेज को क्लोज करना, और क्लोज ऑल का मतलब होता है सभी पेज को एक साथ क्लोज करना। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 पांच पेज हमारे पास खुले हुए हैं। मैं चाहता हूँ मुझे इस पेज को क्लोज करना है, तो आप यहाँ फाइल में जा करके यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसे बोल रहा है ये सेव करने के लिए, हमने कर दिया नो, ये फाइल हमारा क्लोज हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं सारे एक साथ बंद करने हैं तो यहीं पे जा करके आपको क्या करना है, क्लोज ऑल। तो मैंने क्लोज ऑल पे क्लिक किया, ये सारी फाइलें एक साथ बंद हो गई। तो आपको क्लोज और क्लोज ऑल के बारे में समझ में आ गया होगा। क्लोज एंड गो टू ब्रिज, देखिए जैसे मैं ओपन में चला गया और यहाँ से कोई एक फोटो ले आया, तो यहाँ हमारे पास एक फाइल है, हम चाहते हैं मुझे ये फोटो नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिज खुला हुआ है, तो हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा, पहले इस फाइल को बंद करना होगा फिर इस पर क्लिक करना होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे दिया हुआ है क्लोज एंड गो टू ब्रिज, मतलब इस फाइल को क्लोज करके सीधा ब्रिज में जाना। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं वो फाइल हमारी क्लोज हो गई और ब्रिज हमारा ऑटोमेटिक ओपन हो गया। तो यहाँ पर जाकर के जो भी फोटो चाहिए आपने डबल क्लिक करिए तो ये आपका ओपन हो जाएगा, ये देखिए। तो आपको क्लोज एंड गो टू ब्रिज अभी का समझ में आ गया होगा। तो सेव और सेव जाए तो नॉर्मली चीज़ है, आपको पता होगा इसके बारे में कि सेव और सेवेज क्या होता है। देखिए सेव तो मतलब हो गया कि नई कोई भी आप नई फाइल बनाते हो उसे सेव करना, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। और सेवेज जो होता है हमारा, उसमें जो फाइल आपकी सेव है उसी में कुछ चेंज करके दोबारा सेव करना। बाकी मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि सेव क्या होता है हमारा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से एक नया पेज लिया और यहाँ पर जा करके मैंने एक विड्थ ले ली, 3 इंच 6 इंच विड्थ और 3 इंच हाइट, ओके कर दिया। तो यहाँ पर कुछ भी बना करके, जैसे मैंने यहाँ पे कलर डाल दिया इस टाइप का, ये देखिए, और इस फाइल को मुझे सेव करना है, तो यहाँ पे जा करके आपको सिंपल सा है सेव पे क्लिक करना है क्योंकि हमारा एक नया पेज है। लेकिन अगर ये फाइल हमारी ऑलरेडी पहले से सेव होती और मुझे इसको दूसरे नाम से सेव करना होता तो तब हम यहाँ पर क्या करते, सेवेज, सेव पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी आपको लोकेशन चूज करना है चूज कर लीजिए और फाइल का नाम लिख करके उसे फिर लास्ट में सेव करना है। तो मैंने दे दिया यहाँ पे माई फर्स्ट डिजाइन, ये देखिए उसको मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। तो आपको सेव समझ में आ गया होगा कि सेव का यूज क्यों करते हैं, और सेवेज होता है मतलब इसी फाइल को दूसरे नाम से सेव करना। तो देखिए अब इसके बाद हमारा मेन टॉपिक आता है यहाँ पे, देखिए सेव फॉर वेब डिवाइसेस। ये क्या होता है हमारा, बहुत ही अच्छा टूल है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हमारा। तो सेवेज का यूज कर कैसे करते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक नया पेज ले लिया और यहाँ पे 6 इंच विड्थ और 3 इंच हाइट ले लिया, ओके कर दिया। तो जैसे मैंने इस पे यहाँ पे कुछ ही मान लिया, देखिए मैंने कुछ इस टाइप से काम कर लिए ऐसा। तो डिजाइन आने के बाद यहाँ मैंने फाइल पे क्लिक किया और सेव पे चला गया। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए मैं डेस्कटॉप पे जा करके मैंने इसको सेव कर दिया, जैसे दे दिया मैंने मल्टी कलर के नाम से इसको सेव कर दिया, ये देखिए। तो सेव करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये फाइल हमारी डेस्कटॉप पे है, तो यहाँ पर ये फाइल हमारी PhD फाइल बन के आई है। तो कंप्यूटर में कोई भी फाइल जो ऐसे होती है जो जैसे PhD फाइल, JPG फाइल, तो PhD फाइल ऐसी फाइल है कि ये सिर्फ फोटोशॉप में ही ओपन हो सकती है। लेकिन हम चाहते हैं हमें कोई भी अलग फाइल सेव करना है जो हमें कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल सब में खुल जाए, तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे फाइल में जा करके और सेव फॉर वेब डिवाइसेस का यूज करना है। तो देखिए मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो
तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस आएगा अभी कि किस फॉर्मेट में आपको सेव करना है। तो यहाँ पे देखिए जेपीजी है, जीआईएफ है, पीएनजी है, तो मैंने जेपीजी ले लिया। जेपीजी नॉर्मल होता है हमारा कोई भी फोटो, और उसको यहाँ कर दिया हमने सेव, और यहाँ डेस्कटॉप पे ले करके मैंने यहाँ दिया मल्टी कलर के नाम से ही मैंने सेव कर दिया। तो आइए मैं दिखाता हूँ दोनों में डिफरेंट क्या होता है। तो ये देखिए ये जो पीएचडी फाइल है ये सेव के थ्रू है, तो सेव के थ्रू जब भी आप सेव करेंगे तो वो हमारी पीएचडी फाइल होती है जो सिर्फ फोटोशॉप में खुलती है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं मल्टी कलर के नाम से एक और है हमारा सेव। तो ये क्या होता है, एक जेपीजी फाइल है जो आप किसी भी लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल में, जिसमें भी आप कॉपी करेंगे तो उसमें आसानी से ओपन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सेव फॉर वेड ऐसे समझ में आ गया होगा। आइए मैं आपको बताता हूँ रिवर्ट के बारे में। रिवर्ट बहुत ही अच्छा टूल है हमारा, बहुत ही बेस्ट और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला। इसका यूज हम कैसे करते हैं तो देखिए, इसके लिए मैं यहाँ पे एक फ़ोटो ले आता हूँ। मैं चला गया फाइल में और ओपन पे चला गया, और इमेजेज में जा करके मैंने सपोज ये फ़ोटो ले ली, ये वाली। तो ये फ़ोटो लेके आ गया मैं यहाँ पे। अब यहाँ पर रिवर्ट का यूज देखिए, अभी ये शो नहीं कर रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक क्रॉप का ऑप्शन लिया और मैंने यहाँ पे इस फोटो को इतना काट दिया सपोज, और यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया। मुझे और काटना है, मैंने इतना काट लिया, डबल क्लिक कर दिया। मुझे और भी काटना है, मैंने इतना काट लिया और डबल क्लिक कर दिया। अभी हमारा फाइल्स क्लियर फाइनल हो गया। और इसको सेव करने के बाद हम चाहते हैं कि वो फ़ोटो मुझे दोबारा से चाहिए सारा जितना पहले था, तो यहाँ फाइल में जा करके और यहाँ पर क्या करना, सीधा रिवर्ट। तो रिवर्ट से क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल जीरो जीरो पॉइंट वाले पे आप पहुंच जाएंगे जब आपने स्टार्टिंग किया था। तो रिवर्ट समझ में आ गया होगा आपको। तो ये फाइल अब बताता हूँ फाइल। तो यहाँ पे फाइल पे क्लिक करने के बाद देखिए इससे क्या होता है कि जब भी आप ओपन से कोई फ़ोटो लेते हैं यहाँ पे, तो मैं इस पर डबल क्लिक किया, देखिए तो ये फाइल मेरी अलग खुल के आई और ये फाइल मेरा अलग हो गया, यानी कि ये अलग अलग पेजेज है। लेकिन हम जैसे यहाँ पर कोई एक नया पेज लिया मैंने सपोज, ये देखिए 6 इंच विड्थ है और हाइट कितनी है 3 है। तो मैं यहाँ जा करके इंटरनेशनल पेपर करके और यहाँ से मैंने अभी A4 साइज ले लिया। तो देखिए मैं चाहता हूँ मुझे इस पेज के ऊपर फ़ोटो चाहिए। अगर आपको अलग चाहिए तो आप ओपन का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको इसी पेज के ऊपर चाहिए तो फाइल में जा करके और प्लेस पे क्लिक करना है। तो यहाँ जा करके मैंने जैसे सपोज ये वाली फ़ोटो पर डबल क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हैं ये फ़ोटो यहाँ पर आ चुकी है। और यहाँ पर आपको इंटर करना है और ये आपका लोकेट होता है, तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करके और रेस्ट्राइज करना है। फिर आप इस फोटो के ऊपर जो भी काम करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इफले समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये सब जैसे पेज टू इलस्ट्रेटर, ये सब अलग अलग फॉर्मेट में सेव करने के लिए होता है। ऑटोमेट में जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ पे फिट इमेज, इमेज की विड्थ हाइट जैसे 2480 है, तो मैं इसका साइज कर देता हूँ जैसे 2200, ओके कर दिया। तो देखिए ये छोटा हो गया साइज, तो उसी हिसाब से हाइट भी छोटा हो जाता है। तो ये सब इसके फीचर्स है, छोटे छोटे हैं, इसका ज़्यादा यूज नहीं होता हमारा। तो यहाँ पर हमारा देखिए ये प्रिंटिंग आपको पता ही होगा, प्रिंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी आपने फ़ोटो ले रखा है ये प्रिंट दिखा देगा, और जो भी आपको साइज यहाँ से सेटिंग करके प्रिंटर सेट करके और लास्ट में क्या करना होता है प्रिंट। तो प्रिंट आपको पता ही होगा कि प्रिंट कैसे करते हैं। अब प्रिंट वन कॉपी, मुझे इसकी एक ही कॉपी चाहिए, तो आप डायरेक्ट इस पर क्लिक कर सकते हैं और लास्ट में क्या हमारा एग्जिट। तो देखिए फाइल इन्फो क्या होता है हमारा, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस फोटो के बारे में कंप्लीट डिटेल डालनी पड़ती है, जैसे डॉक्यूमेंट टाइटल, ऑथर कौन है, ऑथर टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन इसके बारे में, रेटिंग कितना दिखाना है आपको कि मतलब कितना अच्छा है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन राइटर, कीवर्ड, तो ये सारे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ये फ़ोटो के बारे में हमें देना पड़ता है। तो ये तो उसके लिए होता है जब कंपनी लेवल पर जब हम काम करते हैं, तो मतलब किसी को अगर भेजना हो इसके बारे में, या कोई भी कलर हम यूज करते हैं डिज़ाइन बनाते समय, तो यहाँ पर सब उसके बारे में लिख सकते हैं। तो ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो मोस्टली कहीं कहीं जो होता है आपका, अगर आपको जरूरत है तो आप यहाँ पे इसके फ़ोटो के बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हैं। तो फोटोशॉप में हम मोस्टली जो हम काम करते हैं नीव से लेकर के और ये प्लेस तक, बाकी नीचे हमारा ये प्रिंटिंग का पार्ट है। तो आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको 100% उसका आंसर देंगे। या फिर कोई भी चीज़ की वीडियो आपको चाहिए अगर कस्टमाइज, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे टूल्स हैं, तो मैं आपको एक ही टूल के बारे में बताऊँगा। तो आज मैंने आपको बताया फाइल मेन्यू के बारे में, तो आगे के टूल्स के बारे में या फिर कोई भी कुछ आपको अलग से कोई वीडियो चाहते हैं बनाने के लिए, आप चाहते हैं किसी टूल के बारे में मेरे को वीडियो अलग से मिल जाए, तो मैं आपको वीडियो बना के आपको कस्टमाइज भेज सकता हूँ पर्सनली। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं फ़ोन करके। तो
आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ साथ बेल आइकन बटन पर भी दबाना ना भूले, ताकि हमारे और भी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। थैंक्स।